यूपी में पुलिस भले ही ताबड़तोड़ बदमाशों का एनकाउंटर करने में लगी है, पर बदमाशों को फिर भी पुलिस का खौफ नहीं है। दो बदमाशों ने अम्बाला हाईवे रोड पर सड़क और बस स्टैंड के पास थाने और चौकी से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल कर्मचारी से पिस्टल दिखाकर 65,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए। आपको बता दें कि पूरी घटना सहारनपुर थाना सदर बाजार बस स्टैंड शहर के बीचों बीच की है, जहां बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में 65,000 की नकदी थी। वहीं पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि कर्मचारी से पिस्टल दिखाकर लूट की गई। आपको बता दें कि जहां बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है, वहां हर समय पुलिस मौजूद रहती है। पुलिस की मौजूदगी में बदमाशों ने लूट की, यह भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। आइए आपको दिखाते हैं सीसीटीवी फुटेज। दो लोग बाइक पे आए, पल्सर रेड एंड ब्लैक, और उन्होंने आके फिर पहले 100 रुपये का नोट दे के 50 रुपये का तेल लिया। जब लड़के चेंज लेके आया उनके पास, तो गन पॉइंट पे एकदम से उससे बैग छीनने की कोशिश करी और थोड़ा रिजिस्ट और थोड़ा वो हुआ, पर उसके बाद फिर उन्होंने सक्सेसफुली बैग छीन लिया। थोड़ा पैसा नीचे भी गिरा, वीडियो भी है, सीसीटीवी में सब कवर्ड है, और फिर वो लेके भाग गए। थाना सदर बाजार में कल रात में ये लूट की घटना हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया और घटना के अनावरण के लिए टीम लगा दी गई। शीघ्र अनावरण कर दोषियों को पकड़ लिया जाएगा।